नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AS मैथ्स अकेडमी। और दोस्तों आज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो साइंस के हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से इन क्वेश्चन को देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों वीडियो देखने के पहले बता दूं कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप एक बेल आइकॉन का साइन आता है, उस बेल आइकॉन के साइन पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम इन क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है दरअसल दोस्तों, पहला है कि वयस्क व्यक्ति में अस्थियों की संख्या क्या होती है, यानी जो वयस्क व्यक्ति होता है, एक जवान आदमी है, उसमें उसकी अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो उसकी अस्थियों की संख्या दोस्तों 206 होती है। खोपड़ी की अस्थियां, यानी जो मनुष्य का शरीर है उसके अंदर जो सिर की जो खोपड़ी होती है, उस खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती हैं, उसमें 28 यानी 28 अस्थियाँ होती हैं। कशेरुकाओं की संख्या, कशेरुकाओं की संख्या यानी जो हमारे शरीर में कितनी होती है, वो 33 होती है। पसलियों की संख्या, यानी जो हमारे शरीर में पसलियां हैं, उसमें टोटल पसलियों की संख्या 24 होती है। गर्दन में कशेरुकाएं कितनी होती हैं, हमारी गर्दन में 7 कशेरुकाएं होती हैं। श्वसन गति हमारे एक मिनट में कितने बार आती है, यानी 16 बार आती है एक मिनट में, यानी 16 बार कह सकते हैं हम प्रति मिनट 16, यानी हृदय गति एक बार में कितने बार धड़कती है, यानी 72 बार धड़कती है, यानी प्रति मिनट में 72 बार धड़कती है। दंत सूत्र का जो रेशियो है दोस्तों, वो क्या है, 2:1:2:3 है ना। ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। रक्त दाब 120 और 180 होता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, डिग्री सेल्सियस में होता है, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में भी होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, लाल रक्त कणिकाओं की आयु 120 दिन होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, 1-3 दिन होती है। दोस्तों ये 1-3 दिन के बाद जैसे जैसे हमें हमेशा सर्कुलेट होती रहती है, तो नई बनती रहती हैं। चेहरे की अस्थियाँ कैसी होती हैं, कितनी हैं, चेहरे में अस्थियाँ 16 होती हैं। और जत्रुक की संख्या कितनी है, जत्रुक की संख्या दोस्तों 2 होती है। हथेलियों की अस्थियाँ यानी हमारे हथेलियों में कितनी अस्थियाँ हैं, यानी 14 अस्थियाँ हैं। पंजे की कितनी अस्थियाँ हैं, पंजे में 16 अस्थियाँ हैं। हृदय की दो धड़कनों के बीच का समय कितना है, 0.8 सेकेंड, यानी हृदय की दो धड़कने 0.8 सेकेंड में धड़कती हैं। एक श्वास में खींची गई वायु कितनी है, 500 मिलीमीटर है ना। इसके बाद है सुनने की क्षमता क्या होती है मनुष्य की, 20 से 120 डेसिबल होती है। कुल दांत मनुष्य में कितने होते हैं, कुल दांत मनुष्य में 32 होते हैं दोस्तों। तो ये मनुष्य के शरीर से रिलेटेड साइंस के सारे क्वेश्चंस मैंने जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको मैंने बता दिए दोस्तों। तो अब आप ध्यान से इन प्रश्नों को याद कर लीजिए और समझ लीजिए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।